दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 35x42 हाउस प्लान के। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप एक बेहतरीन सा घर चाहते हैं विद कार पार्किंग गार्डन और एक लुक वाइज, तो आप इस घर को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो हमें कमेंट कर रहे थे कि आप जब भी सर घर बनाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाते हैं, तो आप इसीलिए मैंने ऐसा मकान चूज किया है। आप गाँव में भी बनवा सकते हैं और शहर में भी बनवा सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सभी चीजों का ध्यान रखा गया, प्रॉपर वेंटिलेशन का भी और फ्रंट लुक का, जो कि आज की डिमांड है कि फ्रंट का डिजाइन अच्छा होना चाहिए। तो उसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। 35x42 फीट में पूरा आप देख सकते हैं स्क्रीन, और यहाँ पर थोड़ा सा हटके लुक दिया गया है। कार पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा जगह भी यहाँ पर कवर की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस मॉडल प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ दोस्तों, अगर आप पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप किसी प्रकार का घर या मकान बनवाना चाहते हैं, तब भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट करें। मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके घर बनाता हूँ, लेकिन वहां पर फ्री में कॉन्टेक्ट ना करें, क्योंकि वो हमारी पेड सर्विस है और आपको 50% पेमेंट पहले करना होता है, 50% बाद में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जूम करके दिखाता हूँ, मैक्सिमम जूम, जिससे आपको चीजें और समझ में आ जाए। ग्रिल का डिजाइन देखिएगा आप, जिसका डोर विंडो जो भी सारा देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों पूरा इसका ग्राउंड फ्लोर है, आप देखिए ये ग्राउंड फ्लोर ओवरऑल बना है। यहाँ पर आपको मैं पहले टॉप व्यू दिखाता हूँ, जिससे और चीजें आपको समझ में आ जाए, सारी चीजें आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें। अब हम इसको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक गेस्ट रूम है जिसमें मैंने ब्लैक का टेक्सचर दिया है, और इसमें एक विंडो भी दी है वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद ये आपका बारंदा है, और इसके साइड में आपका किचन, सॉरी कार पार्किंग एरिया मिलता है। तो दो पिलर हैं इस पर, ये कार पार्किंग है और यहाँ पर एक बारंदे का डिजाइन है। और मेन डोर आपका ये है, जहां से आप एंट्री करेंगे। दोनों साइड विंडो भी दिए, जैसे आप बारंदे में आते हैं तो इस साइड से आपका गेस्ट रूम एक्सेस करने के लिए मैंने डोर दिया हुआ है। इसके बाद मेन डोर से आप जैसे एंट्री करते हैं तो आप एक डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसी रूम से होते हुए, इसी डाइनिंग हॉल से होते हुए आपको अंदर जाना होगा, तो इसे एज अ डाइनिंग हॉल बना सकते हैं। तो इसके बाद आप पीछे पहुंचते हैं। अब इसी डाइनिंग हॉल से इस वाले बेडरूम में मैंने विंडो दिया वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ से आप अंदर जाते हैं तो आप सबसे पीछे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपका देखिएगा बड़ा सा हॉल टाइप का देखने को मिलता है, साइड में आपका स्टेयर्स मिलता है, उसके जस्ट बगल में आपका यहाँ पर लेट एंड बाथ का एरिया मिलता है। वही बात करें, इस कॉर्नर पर ये आपका एक बेडरूम मिल जाता है, देख पा रहे होंगे, और ये एक गैलरी टाइप की है, इससे आपको ये एरिया एक्सेस करने को मिलेगा। ये आपकी किचन है, जिससे किचन मैंने बाहर इस वजह से बनाई, जिससे आप वेंटिलेशन हो, इसलिए मैंने यहाँ पर विंडो भी दिया था, जिससे हवा वगैरह पास होती है। तो ये आपका किचन, और यहाँ पर तीन बेडरूम और एक ओपन बेडरूम जिसे बोल सकते हैं। ओवरऑल एक ही बेडरूम है, एक ही, और ये एक डाइनिंग हॉल टाइप का, ये भी एक आपका हॉल टाइप का देखने को मिलता है। मतलब घर आपका बहुत ही ओपन टाइप का है, प्रॉपर वेंटिलेटेड घर है। आप अगर और वेंटिलेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर छत पर इस जगह जाल भी रखवा सकते हैं, इससे ये चीजें पीछे वाली भी आपकी प्रॉपर वेंटिलेट होती रहे। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर हो गया जो आपने देखा। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है, आप जैसे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो आप देख सकते हैं सारी चीजें वही है। और ये वाला आपका डाइनिंग हॉल, आप यहाँ पर आप बेडरूम का बन जाएगा, ये वाला भी बेडरूम है, आगे वाला गेस्ट रूम मैंने हटा दिया है। यहाँ पर आपको ये बालकनी मिल जाएगी, बड़ी सी बालकनी का डिजाइन देख सकते हैं। ये किचन भी वही है, बेडरूम और सारी चीजें सिमिलर आपको देखने को मिलती है। बस ये बालकनी जो मैंने बनाई, इस पर मैंने ग्रिल वगैरह लगा रखी है, आप देख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से ग्रिल यहाँ बनी हुई है। और ये जो कार पार्किंग वाला एरिया था, इसमें जो रूफ मैंने बनाई छत, वो आपको एज अ स्लोप में बनाई है, जिसके घर को एक बेहतरीन सा लुक आपको देखने को मिले। और सारी चीजें सिमिलर तरीके से बनी हुई है जो आपका ग्राउंड फ्लोर पर बना था। डिजाइनिंग के पर्पज से ये चीज मैंने क्रिएट कर रखी है एज अ बॉक्स, आप देख सकते हैं। ये आपका सेफ्टी भी करेगा बरसात में, आपके डोर वगैरह को बारिश में आपके पानी नहीं जाने देगा। तो ये भी एक डिजाइनिंग के पर्पज से चीज कवर्ड हो जाती है। अब बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर जैसे पहुंचेंगे तो ये आपको एक बेडरूम बनाकर दिया है जो बना हुआ था, और इधर स्टेयर्स को कवर करने के लिए गुमटी बनाई है। लेकिन अगर आप इस बेडरूम के ऊपर जाना चाहेंगे, जिसके मैंने ग्रिल दिया, तो इस पर मैंने छत पर एक राउंड शेप में
स्टेयर्स दिए जिससे आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, ऊपर पहुंच पाएंगे। इसको ऊपर आप देख सकते हैं रेलिंग वगैरह, डोर विंडो, मैंने सारी चीजें दी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। 3.5 फीट का चारों तरफ बाउंड्री वॉल, उसमें ग्रिल का कॉम्बिनेशन और आपका स्क्वायर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये पूरा 35x42 फीट में मॉडर्न हाउस डिजाइन आपका बनकर रेडी हो जाता है। ये आप देख सकते हैं 2 साइड क्लोज है और इधर से आपका ओपन है, साइड से और फ्रंट से 2 साइड ओपन है, 2 साइड क्लोज। आप मकान को देख सकते हैं। ओवरऑल मकान हमारे सब्सक्राइबर थे, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दे। कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आप बात नहीं होगी, आप हमें व्हाट्सएप पर वहां पर कॉन्टेक्ट करिएगा। या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज भी, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।